छोटे हु की मात्रा आज आपको पढ़ना है। तो छोटे हु की मात्रा अक्षर में कहाँ लगती है, कैसे लगती है, वो सब आज मैं आपको पहले तो ओरल बताएगी, फिर आपको राइटिंग वर्क भी करना है। ओरल भी है आज और आपको राइटिंग भी करना है, इसलिए सभी अपनी नोटबुक लेके बैठ जाएंगे और पेंसिल अच्छे से शार्पन करके ही पहले से ही शार्प करके रखना है। और बार बार आपने आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा पढ़ ली है। आज आपको ऊ की मात्रा, ऊ छोटा ऊ, से छोटा ऊ, और ये है छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा, और छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगती है, अक्षर के नीचे। जैसे ये है आपका क अक्षर, कौन सा अक्षर ये है, क, क में छोटे ऊ की मात्रा कु, कु। कैसे उच्चारण होगा इसका, जल्दी से कु। क में छोटी ऊ की मात्रा कु। अभी केवल आपको समझना है घ, घ में छोटी ऊ की मात्रा घु। देखो कहाँ लग रही है सभी अक्षरों में, अक्षर जो स्टैंडिंग लाइन है उसके नीचे, जो स्टैंडिंग लाइन है उसके नीचे। जैसे आप यहाँ ज बनाया तो कहाँ है, ज के जो स्टैंडिंग लाइन है उसके नीचे जू, क्या बन गया जू। फिर भू, ऊ, माउथ कैसे हो रहा है आपका, बोलते हो राउंड राउंड गोल गोल होता है, और मात्रा है कैसे गोल गोल, सी ये गोल गोल है मात्रा, और आपका बोलते वक्त भी माउथ कैसे हो रहा है, राउंड राउंड हो रहा है ना। कु, खु, गु, घु, उस टाइप से कु, जु, घु, घु। अब आपको मैम बता रहे थे तो ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू स्वर है ये, क्या है स्वर, और इसकी मात्रा आज आपको सीखना है और अच्छे से ध्यान में भी रखना है। ऊ से उल्लू, इस आज आपको मात्रा सीखना है, ऊ से ऊ की मात्रा। ओके, ऊ की मात्रा से परिचय करवा रहे हैं मैम, क्या करवा रहे हैं आज आपको, ऊ की मात्रा से परिचय और राइटिंग भी करना है। तो सभी एक बार आप नोटबुक में, मम्मा आपको बाद में आने से पहले समझ लीजिए फिर, ओके। ऊ की मात्रा से परिचय, ऊ की मात्रा से परिचय कैसे लगवाना है आपको बताएंगे। ये है आपका उसे उल्लू, उसे उल्लू, उसे उल्लू, सभी को दिख रहा है ना ऊ। आज आपको इसकी मात्रा सीखना है, और मैम अभी कुछ अक्षर उसके आसपास पेस्ट कर रहे हैं, फिर उसमें कैसी मात्रा लगाते हैं वो आपको बताएंगे। तो ये जैसे कुछ ही अक्षर मैम ने लिए हैं अभी, उसके बाद आपको पूरे क से ही अपने मैम लगवाना बताएंगे। ख, फिर ज, छोटी ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा से परिचय, अक्षर में कहाँ लगती है ऊ की मात्रा और कैसे लगती है, ये है कुछ अक्षर मैम ने आपको बता दिए हैं अभी। अभी अक्षर में कैसे लगेगी मात्रा और उसको कैसे रीडिंग करना है, सी है। अभी मैम ने यहाँ कौन सा अक्षर लगाया है, पहले तो त, त में ऊ की मात्रा, और ऊ की मात्रा ये देखिए, त में
मात्रा तू तू, ध में ऊ की मात्रा तू, ख ख में ऊ की मात्रा खू, ख में ऊ की मात्रा खू, ज में ऊ की मात्रा जू। कैसे लगा रहे हैं मैम? देखो जो स्टैंडिंग लाइन है उसके नीचे भ में ऊ की मात्रा भू, भ में ऊ की मात्रा भू। रीड दिस, एक बार इसे पढ़िए। देखो तू खू जू भू, आप इस टाइप से भी पढ़ सकते हैं और इस टाइप से भी पढ़ सकते हैं। त में ऊ की मात्रा तू, ख में ऊ की मात्रा खू, भ में ऊ की मात्रा भू, ज में ऊ की मात्रा जू। तू खू जू भू, ओके। रीड दिस, ऐसा ही आपको एक पेज पे ऊ की मात्रा ऊपर लिखकर ऊ की मात्रा से परिचय और एक स्टेप से आपको करना है। तो ये हो गया आपके ऊ की मात्रा से परिचय। क में ऊ की मात्रा ऊ, ख में ऊ की मात्रा खू, छोटा ऊ है तो ऊ मात्रा कैसी बोली जाती है? जल्दी से, उच्चा का उच्चारण जल्दी से किया जाता है, ऊ खू गु। और बड़ी ऊ की मात्रा सीखेंगे जब, उस टाइप से मैं आपको बताऊंगी। अभी आप अपने नोटबुक लेके रेडी हो जाइए, नोटबुक पेपर राइट डाउन करेंगे, ओके। ऊ की मात्रा लिखना है और सब आपको हेडिंग वो सब आप ही को डालना है। डेट लिखने के लिए मम्मा हेल्प करेगी बस, और हेडिंग आप लोग ही लिखोगे। तो सभी रेडी हो अपनी नोटबुक लेके? ऑल ऑफ यू रेडी? यस, वेरी गुड। Now write down heading. First write down here CW date. CW date लिख लीजिए पहले तो। Now done. इतना हो गया सबका? ओके, यानी को फिर यानी को में थोड़ा सा डिस्टेंस देखिए ऊ और यहाँ ऊ की मात्रा के साइन। कंप्लीट। क से ज्ञ में ऊ की मात्रा लगाओ या लिखो भी हो सकता है। क से ज्ञ में ऊ की मात्रा या क से ज्ञ तक ऊ की मात्रा लिखो, इस टाइप से हो सकता है। अब यहाँ क लिखो, फर्स्ट लाइन में क क लिख दिया, अब उसमें ऊ की मात्रा
नहीं जा रहा है। कू बोलना के कू ख ख ख में ऊ की मात्रा खूब। मैम के साथ साथ लिखते चलो ग ग ग में ऊ की मात्रा गुप घ घ घ में ऊ की मात्रा गुप। और फिर अंग गडर फर्स्ट लाइन पंक्ति क की पंक्ति कंप्लीट क की पंक्ति कंप्लीट ओके वेरी गुड। नेक्स्ट अब फर्स्ट लाइन आती है च की लाइन च च में मुंह की मात्रा चू च में मुंह की मात्रा चू छ अब छ में कैसे लगेगी छ छ में ध्यान दीजिए छू देखो यहाँ छू छू। नेक्स्ट ज ज ज में मुंह की मात्रा जू। नेक्स्ट ज ज में मुंह की मात्रा जू। हो गया इतना वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन चलो अब नेक्स्ट लाइन ज ज कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन त कौन सी लाइन आएगी त की त की त यस त त में मुंह की मात्रा टू टू कैसे लगेगी अब त स्टैंडिंग लाइन ऊपर है यहाँ नहीं लगाना है इसके नीचे टू। सभी अक्षरों में ऐसे ही नीचे लगेंगे टू टू। नेक्स्ट ड ड ड में ऊ की मात्रा डू डू ढ ध ध में ऊ की मात्रा डू। अण टू ठू डू डू अण। अब ट की पंक्ति के बाद त त ध में ऊ की मात्रा तू तू। फिर ठ बॉबी।
रू की मात्रा बू, भ, भ पे ऊ की मात्रा बू, बू। नेक्स्ट ब के बाद कौन सा अक्षर आता है? य। ब के बाद य लिख दूं? ओ नहीं नहीं ब, भ। कौन सा अक्षर आएगा? भ। भ में ऊ की मात्रा भू। फिर म, म में यू की मात्रा, ऊ की मात्रा, सॉरी ऊ की मात्रा मू। पू, फू, बू, भू, मू। ओके मैम, राइट डाउन दिस साइड। ओके मैं यहाँ लिखती हूँ, नेक्स्ट लाइन आपने डाउन साइड ही कंटिन्यू करना है। यू राइट डाउन इन कंटिन्यू। ओके कैसे पढ़ेंगे? यू, रू, लू, ऊ, शू। अब षट्कोण का श, शू, स, सू, स, सू। मैंने साथ साथ लिखना है तो आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। मैम के साथ साथ लिखते रहो। ह, हू, डन। नेक्स्ट श, श, शू। नेक्स्ट दू, दू, नू, ऊ, फू,
क्लोज नहीं करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे अपन, फिर आपका क्लोज नोटबुक। ओके अभी कोई भी नहीं करेगा क्लोज, नेक्स्ट पेज पे अभी एक्सरसाइज। नेक्स्ट पेज, पहले तो हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो पहले तो चित्र, राइट आउट चित्र, डन चित्र देखकर सही सी राइट डाउन शब्द, सही शब्द लिखो। क्रिया नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर और फाइव। चित्र देखकर सही शब्द लिखो। यहां तो यू बना के सर्कल सर्कल बना दीजिए, पिक्चर चित्र, और फिर क्या अपन बाद में लिखेंगे क्या है चित्र। फिर टू नंबर पर, टू नंबर एक छोटा सा सर्कल, फिर इस टाइप से, और फिर आप और ये बना दे अपने पीलम, क्या बना दे पीलम। छड़ी बना लो, छड़ी, थ्री नंबर पर छड़ी, थ्री नंबर पर क्या बन गई छड़ी। D
बड़ी की मात्रा ड में बड़ी की मात्रा छ दी। अब नेक्स्ट फोर नंबर पर मछली म छ ली। ड में बड़ी की मात्रा मछली म छ ली। मछली। नेक्स्ट कौन सा है पिक्चर? यस कौन सा है? पहियम। प ही यम प हमें छोटी की मात्रा प ही यम। दो बार लिखिए पहियम। ये हो गए आपके आज क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? उ की मात्रा और एक एक्सरसाइज करवा लिया मैंने। माला तीन छड़ी मछली पहिया। तो डू योर वर्क प्रॉपरली। स्टे होम स्टे सेफ। स्टे होम स्टे सेफ। बाय बाय सी यू अगेन।